अजी दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की तो एक मकाम पे इरशाद फरमाया कि महबूब, आप अपने गुलामों से एक ऐलान ये भी करें, एक बात उनसे ये भी आप कहें, कुल या अय्युहन नासु, आप फरमा दें कि ऐ लोगो, इन्नी रसूलुल्लाही इलैकुम जमीअ, मैं ना तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बन गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ना मुझे मखलूक का रसूल बना के भेजा है। हुजूर इंसानों के भी रसूल हैं, फरिश्तों के भी रसूल हैं, जिन्नों के भी रसूल हैं, रसूलों के भी रसूल हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें जो सोच अता फरमाई वो एक उम्मत की सोच थी। कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। ये जो गिरोबंदी की सोच है ना, ये अपने घर की सोच, अपनी गली की सोच, अपने मोहल्ले की सोच, सोचों का महदूद होना, ये सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका के पैगाम के मुखालिफ है। हुजूर ने ना बड़े जहन बनाए, बड़ी सोचें दी और लोगों के जहनों के अंदर गुस्सत पैदा की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे साथ ये मसला हुआ है पिछले कुछ अरसे से, हमें पूरी तरह बांटा गया है। आप उस मुल्क में रहते हैं जिसके चार सूबे, लेकिन चारों सूबों के लोगों की सोचों को तकसीम किया गया। जिस सियासी जमात की हुकूमत सिंध में है उसकी पंजाब में नहीं, जिसकी पंजाब में है उसकी खैबर पख्तूनख्वा में नहीं। ज़हनी सतह पर तकसीम की, कभी इलाकों के नाम पर, कभी जुबान के नाम पर, कभी किसी नाम पर। अहले हक, अहले सुन्नत के अंदर भी जो नजरियाती तौर पर पुख्ता हैं और सवाद आजम हैं, वहां भी छोटी छोटी तकसीमें, अपने अपने गिरोह, अपने अपने मुफादात, इल्ला माशाल्लाह, अपने अपने मामलात। हमें उस वसी सोच की तरफ हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है कि जिस सोच में इंसान अपनी नहीं सोचता, अपने पड़ोसियों की भी सोचता है, अपनी नहीं सोचता अपने खानदान की भी सोचता है, अपनी नहीं सोचता अपनी मिल्लत की भी सोचता है, सिर्फ अपनी बात नहीं करता वो, अपने से जुड़े हुए हर इंसान की बात करता है। वसी सोचे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अगर आप सीरत मुबारका को देखेंगे ना, तो हुजूर की सीरत नूर में हर हर शख्स के लिए हुजूर ने इज्जत और पैगाम रखा, हर शख्स के लिए, हर शख्स के लिए। आप कभी गौर करें तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में जानवर भी आके अपने दुख सुना जाएगा, और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जानवरों के हुकूक मुस्तकिल बुनियादों पर बयान फरमाए, यानी इंसान की जरूरत थी जानवर का गोश्त खाना, तो वहां भी उसे बेरहम होने की इजाजत नहीं दी। फरमाया एक शख्स को देखा कि बकरी जिबा कर रहा है, लेकिन वो उसके सामने ही छुरी तेज कर रहा है, तो महबूब ने फरमाया दो दफा मारना चाहते हो इसको, दो दफा मारना चाहते हो, इसकी आंखों से गुजर करके इस हथियार को तुम तेज करो, इसके हक का ख्याल करो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना रस्तों के, रास्ता होता है ना, रस्तों के हुकूक बयान किए, फरमाया रस्तों के निशान ना मिटाना। लिखा होता है ना हमारे यहाँ फैसलाबाद इतने किलोमीटर और शेखुपुरा इतना किलोमीटर, तो उसके ऊपर इश्तिहार नहीं लगा देना चाहिए। हुजूर ने मना फरमाया रस्तों के निशान मिटाने से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रस्तों के हुकूक बयान किए, रस्ते कुशादा करने का कहा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को आसानी फराहम करने की बात की। हमारा ये माहौल बन गया है कि हमें ना हमारे घर के अंदर एक सबक दिया जाता है, फिर हम किसी जगह वाबस्ता होते हैं तो वहां भी असबाक पढ़ाए जाते हैं। अब लोग इरादत और अकीदत के नाम पर भी लोगों को कायल करते हैं कि मेरे सिवा कहीं और ना जाना। अजीज भाइयों, वुस्सत ज़हनी, अगर आप बच्चों को ये बात बता देंगे ना कि सिर्फ तूने अपना सोचना है, अपने बच्चों का सोचना है, अपने घर का सोचना है, उनके ज़हन छोटे हो जाएंगे। अगर अल्लाह ने उन्हें बड़ी सलाहियत भी दी होगी तो वो मुल्क के लिए कुछ कर नहीं सकेंगे, मिल्लत का कोई काम नहीं कर सकेंगे। बड़ी सोचे वुस्सत, आपका मिजाज इस तरह का हो कि आप
आप ये महसूस करें कि मैं तो मिली काम करूंगा, मैं बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दूंगा। आप देखे ना, अगर कुछ आदमी छोटी बात करता था ना, तो हुजूर उसके मुकाबले में उसे एक बड़ी बात इशारा फरमाते। हजरत सुराका बिन मालिक जब कलमा नहीं पढ़ा था तो फरमाते हैं कि अबू जहल ने ऐलान किया कि जो हुजूर को माज़ अल्लाह गिरफ्तार करेगा 100 ऊंट दिए जाएंगे। हमारे यहाँ छोटा मुफाद नहीं रख लिया जाता, यानी छोटी सी बात होती है, महफिल मिलाद में भी 25,000-30,000 की छोटी बात, ये छोटा मुफाद है। आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, आप तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सनाफ हैं, आपकी तो अरबों खरबों में कीमत है। तो आप ये क्या बात कर रहे हैं, आप अपना मनसब तो देखें, आप अपना मनसब तो देखें भाई, और आप देखें बात कितनी छोटी कर रहे हैं। आपने कहां अपने आप को बंद कर लिया। सुराका भी मालिक कहने लगे कि मैंने एक घोड़ा लिया, चूंकि ऐलान किया था अबू जहल ने कि जो हुजूर को गिरफ्तार करेगा 100 सुरख ऊंट, 100 सुरख ऊंट महंगे थे। आजकल हमारे पाकिस्तान में साहिवाल नस्ल की गाय महंगी होती है, फलाने नस्ल का बकरा महंगा, एक सुर्ख रंग का ऊंट होता था अरब में जरा महंगा होता। कहते मैं 100 सुरख ऊंटों के लालच में हुजूर अलैहि सलातो सलाम की तरफ बढ़ा, मैंने हुजूर को एक जगह पा लिया, हिजरत के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, सरकार ने जमीन को हुक्म दिया, अल्लाह की कुदरत हुजूर का मौजज़ा के मेरा घोड़ा जमीन में धंसने लगा, मैंने हुजूर से माफ़ी चाही कि हुजूर माफ़ कर दे, अब नहीं आपकी तरफ बढ़ता, हुजूर ने माफ़ भी कर दिया, मेरे ऊपर फिर गलबा हुआ नफ्स का, मैं फिर आगे बढ़ने लगा, फिर मेरा घोड़ा जमीन में धंसने लगा। 3 दफ़ा मैंने माफ़ी मांगी, 3 दफ़ा हुजूर ने मुझे माफ़ किया, अब मेरे दिल ने गवाही देनी शुरू कर दी कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल। अब मैं जब हुजूर की तरफ ईमान के इरादे से बढ़ रहा था तो मेरे जहन में थे सुर्ख ऊंट, आपकी तवज्जो है मेरी बात पर, मेरे जहन में थे सुर्ख ऊंट 100। हुजूर ने मुझे फरमाया उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत, जो बड़ी सल्तनत थी, वो कैसर रूम की थी, और वो हाथों के अंदर कंगन पहनता था सोने के, और पूरी दुनिया में उसके कंगन मारूफ थे, यानी सबसे बड़ी सल्तनत का सबसे बड़ा बादशाह, जाहिरी तौर पर बड़ा आदमी। कहते जब मैं हुजूर की तरफ बढ़ने लगा तो करीम फरमाने लगे, तो 100 सुरख ऊंटों के लालच में आ गया है, और मैं तेरे हाथों में किस तरह के कंगन देख रहा। सबसे बड़ी हुकूमत के सबसे बड़े आदमी के कंगन लेने, इतनी छोटी सी बात, 100 सुरख ऊंट। हुजूर ने शौक बदल दिया, अंदाज बदल दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तू मतलब सिर्फ यही है, इतनी बड़ी बात कर दी। कहते मैं कलमा पढ़ गया, अल्लाह ने तौफीक दे दी, इको जरा काम कर दे। कहते मैं मुसलमान हो गया सरकार। अब हुजूर ये वादा कब कर रहे हैं, ये नौजवान बच्चे जरा मेरी बात पे गौर करें। सरकार मक्के से निकल रहे हैं, मदीना शरीफ अभी पहुंचे नहीं, एक गांव पर भी इस्लाम की हुकूमत नहीं, लेकिन महबूब वहां भी जब बात करते हैं तो सल्तनतें फतह करने की बात। ये छोटी छोटी बातें जो ना, सतही सी बातें, घर बनाऊंगा, बच्चे पालूंगा, प्लाट खरीद लूंगा, बड़ी गाड़ी, ये तो बड़ी सतही सी सोच है। मुसलमान की कभी ये सोच होती है? इकबाल कहते हैं, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कभी है, क्योंकि इस्लाम तेरा देश है और तू मुस्तफा भी है। बड़ी सोच अपनी तबीयत में पैदा की जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारे तकबीर नारे खत्मे, नारे रिसालत जिंदाबाद, ताजदार खत्मे नबूवत जिंदाबाद, आले नबी मुहम्मद पर फदा, पीर सैयद अलिया शाह जी की दावत बरकात में कुर्सी आप तशरीफ ले जाए, मैं शाह साहब की बुलंद वेलकम करूंगा। जरा जरूर तशरीफ ले जी, मैं जल्दी से बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि नमाज का मामला है, आप हज़रात तवज्जो फरमाएंगे। अब हज़रत सुराका बिन मालिक कहते मैं मुसलमान हो गया, मैंने कलमा पढ़ा, अब वक्त बदले, सरकार मदीना तय्यबा तशरीफ लाए, मक्का फतह हुआ, सरकार का विसाल हो गया, पर वो कंगन नहीं अभी आए। हज़रत सिद्दीक अकबर का विसाल हो गया, हुकूमत की कंगन नहीं आए, सैयदना फारूक आजम का दौर आ गया, हज़रत सुराका बूढ़े हो गए थे, अब घर में रहते थे, उठा नहीं जाता था। अगर कोई शख्स कहता ना बड़े बीमार रहते हो, तो फरमाते परेशान ना हो जाओ,
मेरे पास हजरत इजराइल नहीं आएंगे। कहा क्यों नहीं आएंगे? फरमाया इसलिए कि हुजूर ने फरमाया था कंगन आएंगे, जब तक कंगन नहीं ना आते उतनी देर तक मौत भी नहीं आएगी। हजरत उमर फारूक के जमाने मुबारक में वो इलाका फतह हुआ, वो कंगन आए, बूढ़े हो गए थे, उठा नहीं जाता था, पोते भी ब्याह गए, शादियां हो गई। आपने फरमाया दादा को बुलाओ। उन्होंने कहा हजरत अब तो बहुत बूढ़े, उठा नहीं जाता। हजरत उमर रो पड़े, फरमाने लगे कान में एक दफा कह देना सुराका कंगन मेरे महबूब का वादा तकमील को पहुंचा, कह देना कंगन आ गए, फिर देखना कैसे उठते हैं। कहते हैं बस जब उनके कान में कहा तो यूं लगा जैसे रब ने जनाबे जुलैखा को जवानी अदा कर, उठे हो और उन्होंने बिस्तर छोड़ा। कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेश गोई, हुजूर सैयद आलम की वो गैब की खबर पूरी हुई, जनाबे सुराका के हाथों में कंगन आए। जवानों हमें लगा दिया गया छोटी बातों पे, सही सोचों पे। आप जरूर रहे अगर आप किसी जमात को सही समझने लगे हैं, किसी पार्टी में जरूर रहे, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि दूसरा आपके नजर में बुरा हो गया। आप अपने कबीले के अंदर रहते हुए दूसरों को इस कदर ज्यादा आप गिरोह के कायल हो जाएं कि आपको रोज लूटा जाए, कभी बरादरी के नाम पर, कभी इलाके के नाम पर, कभी कबीले के नाम पर। इससे थोड़ा ऊपर उठें, सोचों को थोड़ा बड़ा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने जाहिलियत की रस्में अपने पैरों तले रोन दी है। अब कोई ऐसी जाहिलाना बात ना करे कि मैं फलां कबीले से हूं, मेरा कबीला बड़ा है। खुदा के बंदो अल्लाह की बारगाह में अगर कदर है तो वो तकवे की है। अपने जहनों में गुस्सा, दिलों में बड़ापन, मिजाज के अंदर आप देखो इंसानों में कमजोरियां भी होती हैं। नहीं हो सकता कि सारे लोग ठीक हो जाए, इंसानों में कमजोरियां भी होती हैं। लेकिन हमारा बड़ा अजीब मिजाज है ना, मुझे सबसे ज्यादा अपनी कमजोरियों का पता है, लेकिन अपनी सारी कमजोरियों का पता होने के बावजूद अपने आप से प्यार है, और दूसरे का पता भी है तो एक आदमी ही होता है ना। अपनी सारी का पता होने के बावजूद अपने आप से प्यार है, और किसी के एक दो का पता चल जाए क्यों ना करे। दिल थोड़ा बड़ा, जहन थोड़ा वसी। एक शख्स को सजा दी गई, उन पर हुक्म हद लगाई गई, उनका विसाल हो गया। यह आपको सियासता में हदीस मिलेगी। उनका विसाल हुआ, उन पर बकायदा हद लगी। ऐसा जुर्म था जिसकी बुनियाद पर हद लगाई गई, और उस इस्लामी सजा के नतीजे में वो विसाल कर गए। नबी करीम अलैहि सलाम गुजर रहे थे तो कुछ लोगों ने कहा देखो कितना बड़ा जुर्म करके दुनिया से गया है। मेरी बात की समझ आ रही है? हुजूर ने हद लगाई है, उनका विसाल हो गया, देखो कितना जुर्म करके दुनिया से गए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम उसकी हिफत कर रहे हो, मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हो, और वो जन्नत की नहरों में गोते लगा रहा। तुम अभी तक यही अड़े हुए हो, तुम अपने जहन को बड़ा क्यों नहीं करते? जब रब माफ कर देता है तो तुम्हें भी जहन बड़े कर लेने चाहिए। अपनी तबीयतों में गुस्सत लाए। हमारे बुजुर्ग हमें कहते हैं कि 14 तबक मेरे दिले दे अंदर ते मैं तंबू वांगू ताड़े हूं, दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलाऊं दिया जाड़े हूं। आप थोड़ी सी तबीयतों को जब वसी कर लेंगे। देखें अबू जाल का मेन मसला क्या था? उसका मसला गिरोह परस्ती था। ऐसा नहीं था कि उसे हक का पता नहीं था, उसे सब खबर थी। सीरत की किताबों में हमें मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पहाड़ की चोटी पे खड़े हो बैठ के ना रात को कुरान पाक की तिलावत फरमाते थे। ऐसे रातें काफी लंबी हैं, जिसने आजकल तहज्जुद नहीं पढ़ी उसने कभी भी नहीं पढ़ी। अव्वल वक्त आराम करें और रात को उठें और थोड़ा वक्त दें। अगर 40 साल की उम्र तक, 35 साल की उम्र तक मुसल्ला पक्का ना हो तो बाद में फिर तबीयत लगती नहीं। सहरी में अपना मामूल जरूर बनाएं सवेरे उठने का। ये खास दिन है, आप डॉक्टर जो आपको कहते हैं 8 घंटे नींद पूरी करो तो 7 बजे इशा है और उधर 6:15 बजे फजर है, तो इतनी लंबी रात है, जिसने अब नहीं उठना उसने कब उठना है? सुबह जरूर कुछ ना कुछ, आप 5 बजे भी उठ के नफल पड़े तो हो जाएंगे, तो तकरीबन 5:30 बजे के करीब अजान फजर का वक्त है। अजीज भाई खूब तवज्जो करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ना रात को वक्त देते थे मुसल्ले को। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की चोटी पे बैठ के कुरान पाक की तिलावत फरमाते थे। अच्छा कारी कुरान पाक पढ़े तो सुनने को जी चाहता है, और जब खुद महबूब कुरान पाक पढ़े तिलावत फरमाते।
अजीब हाल हो गया कि अबू जहल भी किसी झाड़ी में छुप के हुजूर की तिलावत सुन रहा। अबू सुफयान अभी कलमा नहीं पढ़ते थे, वो भी छुपे हुए थे। अखनस बिन शुरैक भी किसी झाड़ी में। थोड़ी देर नहीं, ये दिलचस्पी पैदा करो कुरान पाठ। थोड़ी देर नहीं, सारी रात हुजूर ने पढ़ा और सारी रात तीनों ने सुना। ये बहुत मुश्किल काम है। सारी रात सुबह निकलने लगे तो किसी कोने में मुलाकात होगी, तू किधर आया था? उसने कहा तू किधर आया था? तीसरा कहने लगा मुझे बताओ ना तुम किधर आए थे दोनों? कल नहीं आना, तो वो काम लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? हम लोगों को रोकते हैं, खुद आते हैं, लेकिन कुर्बान जाए कहते हैं हुजूर की तिलावत थी ना। रात को इरादा तो था नहीं जाएंगे, पर वो तिलावत कानों में रस घोल देंगे। कभी बिस्तर की ये करवट बदली तो कभी वो बदली, तो जब ना रह सके तो चले गए फिर उठ के, जगह बदल बदल के बैठ गए, मुसलसल आते रहे, रोज कहते रहे आज नहीं आना, पर कई दिन आते रहे। एक दिन पक्का किया कि आज के बाद नहीं आएंगे, वरना हम लोग भी आना शुरू हो जाएंगे। जब ये तय हो गया तो अखनस बिन शुरैक कहते हैं मैं सुबह ना अबू जहल के घर चला गया। मैंने कहा यार ये तो बात पक्की है ना कि वो जो पढ़ते हैं बड़ा सोना पढ़ते हैं। अब तू बता, तवज्जो है मेरे अजीजों। अखनस बिन शुरैक अबू जहल से कहने लगा बता, सच बताना दिल पे हाथ रख के, नबी पाक अलैहिस्सलाम जो कुरान पढ़ते हैं वो सच्चा है कि नहीं? मैं हूं तू है तीसरा कोई, सही बता। ये मेरी बात पर खास गौर करना। कहने लगा मैं तो बहुत जमाने से कह रहा हूं कि कुरान नहीं उनका तो एक एक हरफ सच्चा, कुरान का एक एक हरफ सच्चा, हर शय सच्ची बयान करते हैं, उनकी हर हर बात हक पर मबनी है। तो खरीद में शुरैक कहने लगा जब सच है तो तू मानता क्यों नहीं? अब तर्जुमा कर ले इसका, ये कि तू जानता है तो मानता क्यों नहीं? आज ही बड़े लोग हैं ना कहते हैं दीन बिल्कुल हक है, तो अमल कब करना है? ये बात तो काफिर भी कह देते कि है बिल्कुल सच्चा, तो अमल किसने करना है? फिर इस पे अमल कौन करेगा? अमल का तो मसला है। कहा तू जानता है तो मानता क्यों नहीं? तो अबू जहल ने जो सोच दी उसको देखिएगा क्या है। वो कहने लगा हमारे कबीले का और बनू अब्द मनाफ का, बनू हाशिम का तरीका था ना ये, शुरू से मुकाबला रहा। अगर उन्होंने घोड़ा दौड़ाया तो हमने भी दौड़ाया, अगर उन्होंने किसी गरीब को खाना खिलाया तो हमने भी खिलाया, अगर उन्होंने किसी का बोझ उठाया तो हमने भी उठाया। फिर उन्होंने कहा कि हमारे कबीले में नबी आ गए। कहने लगा अल्लाह की कसम लातो मनात की कसम कभी नहीं मानूंगा माजल। उन्होंने कहा हमारे कबीले में नबी आ गए, माना क्या था कि अगर मेरे कबीले में आते ना फिर मैं मान जाता। ओहो ये गिरोह परस्ती की सोच, ये बरादरीज़म का रट्टा आड़े आ गया, हक पहुंच गया लेकिन कबूल है। ये गिरोहबंदी की जो सोच है ना, देखे ना यहां लड़ाई हो गई चौक में हमारे बच्चे की किसी बरादरी के बच्चे के साथ, तो खबर आई कि बच्चा लड़ पड़ा है, तो पहले जाके कोई पूछता है कि गलती किसकी है? बोले पूछते हो, सीधी लड़ाई शुरू कर दी। क्या ये जायज है? दीन इसकी इजाजत देता है? अखलाकियात इजाजत देते हैं? इतने गिरोह परस्ती में आ गए कि हमने सबको शिकवे है ना पुलिस वालों से। मैंने एक पुलिस ऑफिसर से बात की, मैंने कहा यार बड़े लोगों को शिकवे हैं, तो कहने लगा पीर साहब हमें भी तो शिकवे हैं ना, पता तो करो कितने लोग सच्चा पर्चा दर्ज कराते हैं, पूछो कितना सच्चा दर्ज कराते हैं, इनसे पूछो, उतना ही माल लिखवाते हैं जितना इनका गया है। इनको पता होता है कि हमारा मुजरिम कौन है। बहुत सारे लोगों को ये जो नाम मालूम नाम लिखवाते हैं, किस लिए लिखवाते हैं? कि जो पैरवी करेगा उसका भी नाम दे दें। गिरोहबंदी की सोच, तकसीम दर तकसीम, छोटे छोटे जहन। अगर किसी आपके मुकाबले में किसी बंदे के अंदर खूबी है तो आप उस खूबी को तस्लीम करें। अगर आप समझते हैं कि वो मेरी जमात का नहीं, बरादरी का नहीं, कबीले का नहीं, लेकिन खूबी रखता है, तो उसकी खूबी को तस्लीम करें। मैं एक सोच आपको देता हूं, आप जरा सीरत, आपका उनवान है ना, तो सीरत का इस ये वाला रंग जरा देखिए। जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की एक लौंडी ने कलमा पढ़ा, हजरत उमर ने उल्टा लटका के मारा, हाथ में तलवार, मक्के के सहराओं में हजरत उमर मुकाबले में निकले हुए हुजूर को शहीद करने के लिए, मैं शहीद करूंगा। अब मुझे बताएं एक बंदे का आपको पता चल जाए कि वो तो आपके मुकाबले में है, शहीद करना चाहता है, तो उसके लिए आप दुआ मांगेंगे? इधर देखो मेरी तरफ,
लेकिन हुजूर को पता था ना कि वो निकल तो आए हैं पर बंदा उसूलों वाला है। वो मुकाबले में निकले जहां रिपोर्ट आ रही है कि उनके हाथ में तलवार है और हुजूर काबे का गुलाम पकड़ के कहते हैं या अल्लाह उमर के इस्लाम के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। उनके लिए दुआएं हो रही है इसलिए कि जो उनकी खूबी है वो अपनी जगह पे मुसल्लमा है। सेहत में गुस्सत लाए, दिलों में गुस्सत लाए। हमारी तबीयत तो दरवेश ने लिखा है वो जड़ी बूटी थी तो वो पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर कोने में जाकर मिलती थी। तो बहुत सारे लोग गए उसको तलाश करने के लिए, वो दवाइयों में काम आएगी, लेकिन वो रास्ता बड़ा सख्त था, ढलान वाला रास्ता था, सख्त रास्ता था, कोई जाता तो फिसल जाता, चढ़ा ही नहीं जाता था। एक साहब ने ठान ली कि मैं जाऊंगा, कई पहाड़ियां क्रॉस करके वो पहाड़ी आना थी। मेरी बात पर तवज्जो है आप बाबा। उसने ना जाते ही जब देखा कि ये ढलान है, ये तो पैर रखे तो फिसल जाता है, तो उसने कुदाल पकड़ ली, रंबा पकड़ लिया, हथौड़ा पकड़ लिया, पहाड़ तोड़ना शुरू किया। पूरा पहाड़ तोड़ के उसने 50-60 सीढ़ियां बनाई, फिर अगली पहाड़ी पे गया, उसको तोड़ा, अकेला आदमी था, सालों लग गए उसको तोड़ के सीढ़ियां बनाई, फिर तीसरा तोड़ा। उसने कुछ 3-4 पहाड़ तोड़े तो वक्त इतना गुजर गया कि मौत का टाइम आ गया। अब जो निढाल हुआ, आखिरी वक्त आया, तो लोग कहने लगे तुझे मिला क्या, क्या मिला तुझे, कामयाब तो तू हो नहीं सका। तो कहने लगा तुम गलत फहमी का शिकार हो, मैं फुल कामयाब हो गया, मैं पूरा कामयाब होकर दुनिया से जा रहा हूं। का वजह, कहने लगा इस जड़ी बूटी की मुझे नहीं सारे शहर को जरूरत है। मैंने ना 4 पहाड़ काट दिए हैं, मैंने आधा सफर आसान कर दिया है, अब जो शुरू करेगा ना वो 5वें पहाड़ से शुरू करेगा। ओ, मैंने 4 पहाड़ तो तोड़े के नहीं। कोई शख्स ऐसा हो जो आधा सफर तो आसान करे, अपनी जिंदगी का किरदार तो देखे ना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हमें अहदीस जमा करके दे गए ना, उन्हें कहा लो मैं तुम्हें दे गया हूं। अब बाद में आए फुकहा, वो ना हदीस से मसाइल निकालने लगे, इस्तदलाल करने लगे, उम्मत को वहां से मसाइल देने लगे, काम होता रहा, तशरीहात होंगी, काम होगा। लेकिन इमाम बुखारी ने हमारा ये सफर तो खत्म किया ना कि हम खुद चल के जाएं, हदीस ढूंढ के लाएं, उस पर जरा करें, रावियों का पता करें, ये काम उन्होंने आसान कर दिया। हमें हुजूर की सीरत ये बताती है कि जिंदगी में कुछ ऐसा करो जिसके कौमों का, मुल्कों का, मिल्लतों का, इलाकों का फायदा हो। ये छोटी सोचे पैदा कर लेना, गिरोह परस्त हो जाना, थोड़ा सा लालच जिंदगी का और थोड़ी सी दुनिया बात करना और उससे कभी बाहर ही ना आना। आप उसी इमाम गजाली फरमाया करते थे और तू देने का मिजाज बना, रब तुझे देने की तौफीक भी अता करी, तू शौक ही नहीं बनाता, तेरा ख्याल ही नहीं है बांटने का, अपने जेब को वसी करे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बड़ी बातें करते, बड़ी बड़ी, ये जो जंगे खंदक हुई ना तो मुसलमानों के हालात इतने सख्त थे कि भूख के साथ पेट कमर से जा लगे, शदीद हालात मुसलमानों के, और मुसलमान दिफाई महाज पे कड़े खंदक खोद के आग जला के बचाव किया जा रहा है। इतनी भूख थी कि लोगों ने पेट में पत्थर बांधे हुए, हम ये बातें सुन लेते हैं पर ये करनी बड़ी मुश्किल है, पेट में पत्थर। और जब अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने पेट पे पत्थर बांधे हैं, तो महबूब ने कुर्ता उठाया, फरमाया तुमने एक बांधा, मैंने 2 बांधे। अब वो इतना ढलान आ गई, खोद रहे थे ना तो नीचे से, चूंकि अरब शरीफ के अंदर पहाड़ काफी है, तो नीचे एक ढलान आ गई, एक चट्टान आ गई, टूटती नहीं थी। तो हमारा तो खैर आजकल हाल ये है कि हमसे तो नहीं उठाया जाता सब्जी का थैला भी, मौलवी साहब से, पीर साहब से, अपने जैसे लोगों की बात, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढलान आ गई तो सहाबा ने अर्ज की हुजूर हमसे नहीं टूटती तो फरमाया मुझे दो थोड़ा, मुझे दो थोड़ा, मैं करता हूँ ये काम। ओ खुदा के बंदो, मीठा खाना भी सुन्नत है, मिसवाक करना भी सुन्नत है, और मस्जिद नबी बांध रही हो तो रोड़े उठा के लाना भी हुजूर का तरीका है, ये भी महबूबे पाक का तरीका है, इस पर भी अमल होना चाहिए। तो हुजूर ने फरमाया मुझे तो थोड़ा, मैं तोड़ता हूँ, आप मेरी बात पर गौर करेंगे। अभी मक्का भी फतह नहीं हुआ, वो जब चट्टान हुजूर के सामने आई तो सरकार ने हथौड़ा पकड़ा,
एक जोर से मारा थोड़ा, और पता क्या फरमाया, फरमाया लो भाई अल्लाह ने मुल्क के शाम की कुंजियां भी मुझे दे दी, ये शाम भी फतह हो जाएगा हमारा। ये दूसरा थोड़ा मारा तो महबूब फरमाने लगे लो भी अल्लाह ने इराक की कुंजियां भी हमें दे दी। तीसरा थोड़ा मारा तो फरमाया लो भी फारस भी फतह होगा, अल्लाह ने उसका भी वादा फरमा लिया। अब कसूर अंदर है खंदक के, चट्टान को तोड़ रहे, और जब फरमाते हैं ना लो भाई रब करीम ने मेहरबानी कर दी लाके दे दिए, कोई सहाबी ये नहीं कह रहा कि हुजूर कब फतह होंगे किस तरह होंगे, अभी तो मक्का नहीं फतह हुआ। हुजूर बताते जाते थे और वो नारे लगाते जाते थे। अपनी जिंदगी में वसी बात करें आप, आपका बड़ा जेन हो, बड़ा दिल हो, ये छोटी छोटी याद देखो, मेरा अगर नालायक बच्चा नहीं पढ़ता तो मेरी बहन का अगर लायक है तो उसे पढ़ा लू। अगर मेरे मोहल्ले और गली में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने वसायल की बुनियाद पर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे तो मैं मेरी सोच उधर क्यों नहीं जाती, क्यों मैं सारा कुछ समेट के अपने गाड़ी लाना चाहता हूं। मेरे अब्बा जी कहा करते थे पड़ोसी की आग इसलिए भी कभी कभी बुझा देनी चाहिए, खुदा ना खास्ता पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो इसलिए बुझा देनी चाहिए कि अगर इसकी ना बुझाई तो कहीं मेरे घर ही ना आ जाए, दाएं बाएं आग बुझ जाए तो अपना घर भी बच जाता है। अगर आप सोसाइटी के अंदर अच्छा किरदार प्ले करेंगे, जहन को वुस्त देंगे, ये छोटी छोटी सखी सोचों से बाहर आएंगे, क्या मसला हमारा नफा है, आप यकीन करें कुछ भी नहीं। इतना सा छोटा सा माल कमाने के लिए हम अरबों खरबों का मिली नुकसान करते हैं, अपना घर बनाने के लिए कौमों को मकरूज कर देते हैं हमारे हुक्मरान, अपना घर बनाने के लिए। अगर तबीयत देखें, जो आदमी जाली दवाई बेचता है क्या नफा कमाता है, वो 50,000 रोज कमा लेता हो, लेकिन वो इंसानी जान जो एक बच जाए तो समझो इंसानियत बच गई। वो समझता ही नहीं इस बात को कि यार मेरी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। डॉक्टर, डॉक्टर को लोग मसीहा समझते हैं। मैंने देखा डॉक्टर अगर कह देना आपको कुछ भी नहीं तो बाबा जी आराम से सो जाते हैं, लेकिन वो डॉक्टर है वो किस लालच में पड़ गया। तू देख तो सही अल्लाह ने तुझे कहां खड़ा किया कि तेरे जुमलों से लोगों को सुकून हो जाता है, और तू कहता है कि पहले बाहर 2,000 जमा कराओगे तो मेरे पास आओगे। तू मीठा बोलता ही नहीं, तेरी तबीयत ही नहीं। मैं आपको बड़े दर्द से कहता हूं कि वो लोग जो खानकाई हैं, इनके पास लोग अकीदत से चल के जाते हैं, वो कहते हैं 3 मिनट से ज्यादा मुरीद के पास नहीं बैठना वरना मुरीद अदब नहीं करता। और कई दफा होता कि आप थोड़ा प्यार ज्यादा कर रहे तो साफ ही समझते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन आपको उनकी तरफ देख के अपना रवैया बदलना है। आप तो ये देखें वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सीखने आया और आप बैठे कहां हैं, मिंबरे रसूल पर, मुसल्ले रसूल पर। आपकी तो बहुत बड़ी सोच होनी चाहिए, आपको तो मिली बात करनी चाहिए, कौमी बात करनी चाहिए। मैं ना तालिबे इल्मों से कहता हूं अक्सर मदरसे के, 100 बंदे तुम्हारे पास जुमा पढ़ने आते हैं तो एक बंदा अगर मुखालफ भी हो तो सारी तकरीर मुखालफ पे ना कर दिया करो, उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इशारे से बात करें जी, इशारे से बोल के ना करें, ओ भाई ना बोले अल्लाह खुश रखे, ना बोले जी आप अल्लाह जज़ाए खैर, इशारे से बात करें। संगियो सारी तकरीर उस बंदे पे कर देने की क्या जरूरत है, आप जो 99 बाकी दीन सीखने आए उन पर भी तो बात करें ना। एक बंदे को जेहन में रख के ये मेरा मुखालफ है, मैं बच्चों से कहता हूँ एक मुखालफ हो तो नजर भी नहीं लगती बंदे को, होना चाहिए। वो हारून रशीद चले गए ना एक मौलाना के पास जुमा पढ़ ले तो काबू आ गया, तभी मौली साहब से नहीं जो हो सकता था उन्होंने की, बस सारी बातें कर दी एक ही मिनट में, सारा कुछ ही कह दिया, सख्त सुस्त बोला। जुमे की नमाज के बाद हारून रशीद ना बड़ी गर्म जोशी से मिले मौलाना साहब से, कहने लगे मौलाना आप तो बड़े नाराज हैं मुझसे, कहने लगे सारे सूबों से तेरी शिकायतें आती हैं। तो वो कहने लगा मौलाना शिकायतें तो जरूर आती होंगी पर एक बात कर लो का कर लो। कहने लगा मैं इतना बुरा तो नहीं जितना फिरौन था। तो मैंने आपको फिरौन कब कहा, किसने कहा आप फिरौन है, तो कहने लगे आप सूरह ताहा पढ़े ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास जाने लगे तो रब करीम ने फरमाया मूसा फिरौन से जरा नरमी से बात करना, तो अगर उससे नरमी से बात हो सकती है तो हारून रशीद से भी तो हो ही सकती है। आप अपने लहजे में माहौल में कुछ ऐसी बातें लाएं जिसमें महसूस हो कि आपकी एक बड़ी सोच, आप एक वसी बात करते। वो मैं उन भाइयों को भी जानता हूं जिनकी बहन कभी 2,000 मांग ले ना, वो कहने भैन तेन की दसा आती बड़ा तंग,
हालांकि ये तो 6000 की रात रोटी खा के आया दोस्तों के साथ। आपका जेन ही बड़ा नहीं, आपकी तबीयत में गुस्सत नहीं। काश आपकी तबीयत में गुस्सत होती तो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया, हुजूर का गुलाम बनाया, आपका तो घर लंगर पकते और दुनिया खाती। लेकिन उसके लिए पहले दिल का, जिगर का, जहन का बड़ा होना शर्त है। ये जहां आज मंगला डैम है ना, यहां पहले मीरपुर शहर था, फिर किसी हादसे में शहर तबाह हुआ। जिस ऑफिसर की ड्यूटी थी वहां, वो कहता है मैं अपनी जीप में गुजर रहा था, मलबा इकट्ठा हो रहा था, तो एक बूढ़ा शख्स और उसकी बीवी गधे पे दो बोरियां रख के वहां से गुजर रहे थे, हाथ उनके कांप रहे थे। तो मेरी रोक के ना गाड़ी, तो वो मुझसे कहने लगे बेटा हुकूमत का जो खजाना का दफ्तर है जहाँ हुकूमत पैसे जमा करती है वो किधर है। तो मैंने कहा बाबा जी खैर है। कहने लगे पुत्र हमारा शहर तबाह हो गया है, हमारी बस्ती सारी उजड़ गई है। तो मैंने और मेरी बीवी ने ना मलबा साफ कर करके सोना चांदी कुछ और था इन बोरियों में जमा की है, अब हम हुकूमत के खजाने में जमा कराने जा रहे हैं ताकि हमारा शहर फिर से बस जाए। यहाँ हमारे बुजुर्गों की कब्रें हैं, ऐसा ना हो कि यहाँ दुनिया आना जाना छोड़ दे, हमारा ना शहर आबाद हो जाए। शहर घर नहीं, यहाँ तो भाई ये हाल हमने कर दिया कि एक्सीडेंट हो जाए तो लोग मोबाइल चोरी कर लेते, जख्मियों के लोग जेवरात उतारते। यहाँ तो इस तरह का शौक लोगों का बना दिया गया है। हमें फिर से उम्मत होकर किरदार अदा करना पड़ेगा। हमें रसूल कायनात अलैहिस्सलाम का वो दिया हुआ बड़ा शौक, उस पर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें वो वाली सोच लानी पड़ेगी। जब हुजूर ने फरमाया सहाबी से कि मेरे मेहमान को खाना खिलाओ, तो उसने अपनी बीवी से कहा था बच्चे भूखे सुला दे और चराग ठीक करने के बहाने से बुझा दे, हाथ चलाती रहना लेकिन मेहमान पेट भर के खिखाए, दुनिया आवे ते खा खा जावे ते राजी होवे बुल्ला, इसको पेट भर के खिला। मियां बीवी भूखे सोए, बच्चे भूखे सोए, अपने बच्चे भूखे सुलाए किसी के लिए, अपने बच्चे। अल्लाह ने कुरान नाज़िल कर दिया वयुक्सिरूना अला अन्फुसहुम वलौ काना बिहिम खसासा। कुछ लोग वो भी हैं जो दूसरों को तरजीह दे देते हैं अगर जी उन्हें बड़ी जरूरत भी हो। कहते हैं सुबह मैं हुजूर की बारगाह में गया तो बताना नहीं पड़ा, करीम फरमाने लगे रात जो तूने अमल किया ना अल्लाह को भी बड़ा पसंद आया है, रसूलुल्लाह को भी बड़ा पसंद आया। थोड़ा सा ना इस हाल का मिजाज बनाए, थोड़ी सी सोच। यानी मैं अपनी थड़ी बचाता हूँ, मेरा एक मोटरसाइकिल गुजरना है, हालांकि वो एक बच्चे को लगाए ना तो उठा के अंदर जा सकता, लेकिन मैंने सारा मोहल्ला तंग कर दिया, वो गली से एम्बुलेंस नहीं गुजर पाती और मेरा मोटरसाइकिल जरा सही करके चला जाता है ना। पर अगर कोई बंदा मुझे कह बैठे तो तौबा तौबा तौबा, ओ खुदा के बंदे 6 फुट के मैं छड़ी है था तू कौन होना मैंने आखण आया, वो भाई अपने लिए छोड़ी थी तो न छोड़ते। मैंने देखा रस्तों के मामले में लोग इतनी कंजूसी करते हैं, हालांकि आपकी गली से गुजरे तो कुशादा होके गुजरे, सही होके गुजरे। तो सीरत नबवी हमें ये कहती है कि तुम्हारी सोचें छोटी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे दिल छोटे नहीं होने चाहिए, तुम्हारी तबीयतें बड़ी हो, तुम्हारा मिजाज, तुम्हारा हौसला बोलिए। कभी कभी ना हंसना भी सीखे, यानी हमारे बाद लोग ये कहते हैं कि सारे दुख जाएंगे तो फिर मैंने हंसना है सारे। वो मैं जनाब आपको बताऊं दुखी बड़ा हूं, तो मैं कहता हूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा तकलीफें तो किसी ने नहीं ना देखी। 13 साल मक्का मुकरमा में कभी रोड़े मार रहे हैं ताइफ के लोग, कभी ओजड़ियां आ रही हैं, कभी कांटे बिछाए जा रहे हैं। मदीना में आ गए तो कभी बदर की लड़ाई, कभी ओहद की जंग, कभी मुनाफिकों की साजिशें। लेकिन हजरत हारिस रजी अल्लाह तआला उन्हें फरमाते हैं मैंने इतना मुस्कुराते हुए किसी को नहीं देखा जितना रसूल करीम मुस्कुराया करते हैं। आप अगर अपनी सोच इतनी महदूद कर लेंगे कि हर वक्त किसी एक चीज को जेहन में लेके आपका गुस्सा ही नहीं जाता, तलखी नहीं जाती, कभी कभी हंसे भी, और अगर आप कहेंगे सारा जमाना ठीक होगा तो फिर मैंने ठीक होना है तो फिर तो आप ठीक हो ही नहीं सकते। इसलिए कि नेकियां जमहूरी नहीं होती, नेकियां जमहूरी। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा था कि पहले सारे कलमा पढ़े तो फिर मैं पढ़ूंगा। हजरत अली ने कहा था कि पहले सारा कलमा पढ़े मक्के वाले तो फिर पढ़ूंगा। उन्होंने कहा बस हमें समझ आ गई है दीन हक है तो कोई माने ना माने हम जरूर मानेंगे। आप लोगों को देख के नेकी करेंगे तो कर ही नहीं सकते। दिल बड़ा करें, जहन में गुस्सा लाएं,
हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दीन दिया है जिसमें हुजूर ने खल्क की बात की, फरमाया मखलूक चूंटियां, एक जगह सहाबा कहते हैं आग लगाई तो चूंटियां जल गई तो हुजूर नाराज हो गए, यार चूंटियों को जो दीन कदर दे, चूंटियों जल गई हुजूर नाराज हो गए, फरमाया तुम्हें पता है आग का अज़ाब सिवाय अल्लाह के कोई नहीं दे सकता, ये तुमने क्या काम किया। तो ज़हन को बड़ा करे, तबीयत को बड़ा करे। मिसाल वो एक बाबा जी ना हाथ कांप रहे थे तो दरख्त लगा रहे थे, किसी ने कहा एंगल होते हैं ना दो सोच, एक एंगल ये है कि यार देखो बाबा जी कितनी मेहनत करते हैं, और एक एंगल ये है देखो इस उम्र में भी सुकून नहीं, अपनी अपनी सोच होती है ना। तो हाथ कांप रहे थे, दरख्त लगा रहे थे, तो एक शख्स ने कहा हुजूर इतनी तकलीफ में, तो वो कहने लगे असल में ना हमारे बड़ों ने दरख्त लगाए थे तो हमने फल खाए, हम खुद गर्ज नहीं मरना चाहते, चाहते हम भी कोई दरख्त लगा जाए ताकि आने वाली नस्ल भी कोई फल खा ले। तो जो पिछलों ने लगाए थे अगर उनके फल आज हो तो हमें भी तो कोई लगा जाने चाहिए ताकि आने वाली नस्ल को भी कुछ मिले। अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी करीम के कदमैन की बरकत से वुसअत कल्बी अता फरमाए।